चुपती गर्मी चुपती गर्मी बात गर्मी गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स डे 12। अभी हम लोग हैं सिलीगुड़ी में, सेंट्रल प्लाजा होटल में। तो आज का जो राइड है वो है सिलीगुड़ी से कोलकाता। कोलकाता जाने के लिए दो रास्ता है, हम एक फराका मालदा होके हम लोग जा सकते हैं, जो कि शॉर्ट होता है, क्योंकि 563 अराउंड किलोमीटर होता है। एंड दूसरा रास्ता है आसनसोल होके, मतलब हमारा अगर हम लोग इससे जाते हैं फराका मालदा जाते हैं क्या प्रदवान बोर्दवान में लैंड करेंगे, बट रोड बहुत ही हॉरिबल है एंड स्ट्रेच थोड़ा कम है, इट्स 100 किलोमीटर लेसर, बट रोड क्वालिटी इज नैरो एंड इट्स बैड पैच एज वेल एंड इट्स मोर लोडेड विद ट्रक्स। तो इसीलिए लास्ट टाइम हम लोग जिस तरफ से आए थे सिलीगुड़ी, हम लोग वही रास्ता ले रहे हैं, सेम रोड बैक, बट जस्ट दैट वी आर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि हमारा डिस्पैच टाइम यहाँ से थोड़ा अर्ली है, so we might be able to avoid all the trucks and everything and the traffic. और हम लोग आने के टाइम जब सिलीगुड़ी आए थे इवनिंग टाइम को ये सब जगह हम जो ट्रक वाला पार्ट है वो बिट गए थे, अभी हम लोग उसको फायदा है मॉर्निंग में ही कवर कर लेंगे 3 बजे बाद, क्योंकि दुमका के बाद तो रोड्स बहुत ही अच्छे हैं, आसनसोल तो बहुत अच्छे हैं एंड आसनसोल से कोलकाता जो है वो हाईवे है एंड वो हाईवे के साथ हम लोग कभी देखे नहीं है, लेकिन वो जीटी रोड 4x4 एक्सप्रेसवे सॉर्ट ऑफ थिंग, इट्स ब्यूटीफुल। तो अभी तो हम लोग इस ट्रिप में सबसे जल्दी हम लोग सबसे जल्दी आज ही निकल रहे हैं। एक्चुअली वो होटल वाला भी आज शॉक हो गया होगा, क्योंकि द लास्ट टाइम वी लेफ्ट फ्रॉम सिलीगुड़ी टू फुनसोली वाज एट 1 PM और वो चेकआउट टाइम क्रॉस हो चुका, तो गाली बकने लगा वो पूरा कंटीन्यूअसली, ही वाज लाइक ही वाज कंटीन्यूअसली फोनिंग अस एंड भाई कब छोड़ रहे हो कब छोड़ रहे हो। आज आज हम लोग बहुत जल्दी निकल रहे हैं अराउंड 6 एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हम सब ने मोस्टली सारों ने बाइक पे क्लॉ लगा करके रख दिया ओवरनाइट, तो हमें और लगेज बांधने का टेंशन नहीं है, स्लो टाइम भी मतलब खाली एडिशनल लगेज जो छोटा मोटा बैग में पैंट शर्ट यूटिलिटी सामान चाहिए वो सब चीज कैरी कर लिए। एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं सोच रहा था कि सिलीगुड़ी में आके मेरा जो डिपर लाइट है उसको चेंज करूंगा, वो ऑटोमेटिकली अभी जल रहा है, चमत्कार मिरेकल अपने आप लाइट जल गया, अपने आप जल रहा है, तो 350 रुपए का जो खर्चा तुम्हारा बच गया, चल ठीक है। आज हमको बिरयानी देगा, चलो आज मैं तुम लोगों को दूंगा स्पेशल बिरयानी, राइड का जो मजा है वो आज तुमको दूंगा, 670 किलोमीटर का राइड देंगे, मजा देंगे। ओके, बुरी खबर ये है कि बाहर बारिश हो रही है एंड फिर भी हम लोग निकल रहे हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है। जो मेरा गोप्रो है उसमें माइक सेटअप है, तो मैं गोप्रो निकाल रहा हूँ, तो जैसे ही कहीं पर धूप होता देनी मैं वो गोप्रो लगाऊंगा। एंड आशीष का जो स्टैंड है वो टूट गया है, आशीष क्या हुआ तेरे साथ थोड़ा बता, क्रैक कर दिया मेरा स्टैंड, क्रैक कर दिया इसका जो स्टैंड है वो क्रैक कर गया है यहाँ से, तो कोलकाता में जाके चेंज करेगा एंड तब तक वो ऐसे काम चला रहा है। मेरे बाइक के ऊपर उसका हैंडल ऐसा है एंड ऐसा सेटअप पे हम लोग गाड़ी रखे हैं। आशीष भाड़ा दे देना ठीक है, भाड़ा एंड आशीष मिस्टर स्मिथ भाड़ा लेता है मेरे से। एक सेकंड ये बोलने दीजिए, ये जो मैग्नेट्स है हम लोग भूटान से लाए थे, आशीष भी लेके आए, सब लेके आए एंड आशीष ने 30 रुपये ज़्यादा लेके लेके आए और उसकी वजह से वो एक दिन खाना भी नहीं खाया। तो निकले पापा हुईली अपना सामान संभालते हुए निकलते हैं, चलो। सिलीगुड़ी से निकलते हुए 1.5 घंटा हो चुका है एंड हम लोग बस 60-70 किलोमीटर्स ही कर पाए हैं अभी तक। लास्ट 60-70 किलोमीटर्स जो था बहुत तेज़ बारिश में हमको गाड़ी चलाना पड़ा एंड यहाँ पे थोड़ा रुके हैं। आशीष का जो क्लॉ बैग है थोड़ा ठीक नहीं है, तो उसको ठीक कर रहे हैं एंड बारिश तो छूट गई है, हल्की हल्की हो रही है, यू कैन सी, लेकिन ऑलमोस्ट छूट गई है। आगे भी आसमान साफ लग रहा है, देखेंगे आगे और कहीं जा कहीं पे थोड़ा रुकेंगे और रेन केस वगैरह निकाल देंगे। आशीष का जो स्टैंड का प्रॉब्लम था, स्टैंड का जो स्प्रिंग है वो निकल चुका है एंड ये टूट गया था ना कहीं पे, टूटा भी है ना कहीं पे, तुम निकल दो, नहीं नहीं अब चल रहा है, चल रहा
अरे टूटा भी है ना? हाँ हाँ क्रैक हो चुका है ये पोर्शन, ये जो है पीछे अंदर की तरफ वो क्रैक हुआ है। अच्छा ये क्रैक भी हो गया है एंड इसका स्प्रिंग भी निकल गया है एंड हमारे जुगाड़ू बाबा हो गया को बंजी रोक सकते हैं ताकि वो ऐसे स्टेबल रहे। कोलकाता में जाके कर देंगे, कोलकाता में जाके इसको ठीक कर लेंगे। ठीक है बात कर लिया हूँ मैं शोरूम से, हाँ जाके कुछ ना कुछ ठीक जुगाड़ कर लेंगे। ओके रन करो ये तेल टाड़ी लगाने का नतीजा यही है हालत है मेरा बैक का क्लॉ बैक का। लकीली ये कवर्ड है इसको जाके धो के फिर निकालना पड़ेगा। ये है मेरी बाइक और इसकी हालत। चलो चलो आसमान खुला खुला नजर आ रहा है आगे चलो। चुप्पी जलती गर्मी लगभग 130 किलोमीटर हम लोग बारिश में राइड किए एंड जैसे हम लोग पूर्णिया पहुंचे एंड एज यू कैन सी रोड चालू बहुत धूप है एंड यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे मैक्स टू मैक्स 20 मिनट और फिर यहाँ से निकलेंगे। सारा रेन गियर वगैरह उतार दिए हैं एंड फिर यहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट भागलपुर बाईपास होके भागलपुर क्या एक ऐसा कुछ जगह है दुमका में रुकेंगे तो और चलते हैं कोल्डिंग वोल्डिंग थोड़ा पीते हैं। अच्छा मैं आपको दिखाने वाला हूँ चारकोल फेशियल मास्क, ये चॉकलेट कैंडी जैसे दिख रहा है लेकिन एक्चुअली ये कैंडी नहीं है पक्का ही इसको मर जाएंगे। चारकोल ये ऐसे इतना छोटा सा पेपर का फोकस नहीं लग रहा लाइट नहीं है इसलिए लाने से देगा ले 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 बस 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 थोड़ा नीचे माधुरी दीक्षित रेडी तमाशा है इनका चैनल है। सब पबजी खेल रहे हैं सब पबजी खेल रहे हैं। इंस्टाग्राम स्टोरी भी चाहिए। दिस इज माय हेलमेट ये देखिए मेरा भी देखिए तो धूप में लगे दिखा दो हालत पूरा ऐसा हुआ है थोड़ा साफ कर दो तो पता चलेगा कैसा है थोड़ा सा ऊपर में एक ये वाला हाँ बारिश का मारा मुझे तो दिखाई नहीं दिया बीच में आंख के सामने का एरिया थोड़ा क्लियर पूछना पड़ेगा एक्चुअली अभी थोड़ा पानी डाल के पूछना है। लास्ट टाइम हम लोग जब सिलीगुड़ी जा रहे थे तो इसी ब्रिज में हम लोग फंस गए थे मुझे बहुत अच्छे से याद है बड़ी मुश्किल से हम लोग इस ब्रिज को क्रॉस किए थे एंड यहाँ से जहाँ पर हम लोग थोड़ी देर रेस्ट किए थे वहाँ तक जाम था एंड बड़ी मुश्किल से वो सब रास्ता हम लोग कवर किए थे एंड वो दिन पूरे राइड का सबसे हेक्टिक दिन था लेकिन लकीली आज वैसा कुछ नहीं है आज बहुत ट्रैफिक एकदम क्लियर है एंड आई होप कि हम लोग को आगे और ट्रैफिक ना मिले और हमारा जो इतना लंबा जर्नी है आज वो बहुत इजी हो जाए। देखिए सम्राट टूडाउन हुआ ये कि ऐसे इसका स्टैंड पूरा टूट गया है एकदम बाहर निकल गया है एज यू कैन सी यार है प्रॉब्लम होगा स्टैंड टूट गया और यहाँ पे एरर दिखा रहा है साइड स्टैंड एरर दिखा रहा है तो हम लोग अभी ऊपर बांध रहे हैं ताकि ऊपर बांधने से एरर नहीं दिखा रहा है ना नहीं आप नहीं दिखा तो उसको ऊपर बांध रहे हैं
ताकि वो अभी दिखा रहा है उसको इससे रखना पड़ेगा। अच्छा बांधिया कौटि बांधे चलो फिक्स कर करदे हेनी से जिनसा निकाल दे क्या कहीं अगर ऑन द वे चलाने के बीच में अगर हुआ तो स्पीड में निकालने से अगर एरर में रह जाएगा तो अगर निकालने के बाद भी एरर दिखाएगा तो मैं बोल रहा हूँ इसको कहीं पे कुछ फिक्स कर देंगे ब्लैक टेप वगैरह लगा के फिक्स कर देंगे पोजीशन देगी फिक्स हाँ फिक्स कर देंगे ब्लैक टेप लगा देंगे उसमें अब दिखा रहा है सुमन तो रिस्की बे तो ब्लैक टेप लगे दवा ब्लैक टेप तो कॉमन सेंस है कि इंजन गरम है ब्लैक टेप रे मेल्ट हो नहीं सेठी हमें के रखी है मैं इट रखिया ना जो जोड़ लागी था लगे दवा इंजन गरम होए हां करे तेरे तो जुगाड़ से हम लोग इसको जो सेंसर है उसको निकाल के यहाँ पे बांध दिए हैं एंड स्टैंड मेरे राइट साइड में क्लॉक में लगा है यहाँ पे स्टैंड है राइट साइड बोल दो इधर 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 स्टैंड ठीक है उसी ना स्टैंड ठीक है उसका क्लैंप खोलो बेस मांगे इसे बेस कर भाई थोड़ा एक्सप्रेशन दे यो यो आशीष का जो स्टैंड है बाइक का स्टैंड है वो कम्प्लीटली टूट गया तो हम लोग उसको जुगाड़ में उसका जो सेंसर है स्टैंड का वो निकाल दिए ताकि गाड़ी चलने में कोई दिक्कत ना हो एंड अभी फ़िलहाल गाड़ी मूव कर सकता है लेकिन रखने का टाइम थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो सम्राट का जो बाइक है उसमें उसको पैरेलल करके उसमें रखेंगे ऐसा प्लान है हम लोग का अभी थोड़ी देर पहले हम लोग वैसे ही रखे थे बाइक को एंड कल हमको कोलकाता में कैसे भी करके रुकना पड़ेगा क्योंकि कल हम लोग सोच रहे थे कि वापस भुवनेश्वर चले जाएं लेकिन जैसा कंडीशन है आशीष का बाइक का तो हम लोग सोचेंगे कल गाड़ी का काम करवा लेंगे एंड परसों भुवनेश्वर के लिए निकलेंगे। लास्ट टाइम भी यहाँ पर बहुत जाम था यहाँ आगे एक एक्चुअली सॉरी यहाँ पीछे एक चेक पोस्ट है तो उसके लिए यहाँ पे जाम लगता है लास्ट टाइम लेकिन यहाँ पे काफ़ी जाम था दोनों तरफ जाम थे तो यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल था उस टाइम। यही होता है जब जाम लगता है एक तरफ का गाड़ी एकदम बंद है एक तरफ एंड दूसरी तरफ सामने से भी गाड़ियाँ आ रही है एंड कोई उधर से आ रहा है कोई उधर से आ रहा है इट्स वेरी रिस्की। लास्ट 10 किलोमीटर से हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं एंड बहुत गर्मी है हालत बहुत ख़राब है। क्या भैया मज़ा आ रहा है रोड चौड़ा कर लेने से इन लोगों का क्या बिगड़ जाएगा इतनी गाड़ियां यहां पे रुकती है थोड़ा अगर रोड यहां पे चौड़ा कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। ओह गॉड अगेन सेम जैम दोनों तरफ से जैम एज यू कैन सी। अच्छा ये ब्रिज की वजह से जैम है हम लोग दुमका में हैं एंड जाने के टाइम जिस पेट्रोल पंप में हम लोग पेट्रोल फिलअप किए थे उसी पेट्रोल पंप पे ही हैं अभी पेट्रोल फिलअप करवा लिया है फिर भी एक आधे घंटे का ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि सम्राट का तबीयत जो तो ठीक नहीं थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है उसको आज थोड़ा हीट वेव्स थोड़ा ज़्यादा ही उसको कुछ लग गया है एंड वो थोड़ा अनईजी फील कर रहा है सो हम लोग सोचे कि जब तक उसको ठीक ना लगे हम लोग यहाँ से निकलेंगे नहीं तो वो अंदर एसी में बैठा है और
सुमन का पाँव में भी थोड़ा छाले आ गए हैं, क्योंकि जब वो हम लोग सिलीगुड़ी से निकल के आए थे करीबन 160-170 किलोमीटर हम लोग बारिश में गाड़ी चलाए थे, तो उस टाइम उसके जूते के अंदर शायद पानी घुस गया था कि क्या, तो उस वजह से उसके पैर में छाले आ गए। तो अभी हम लोग का प्लान है कि अभी हम लोग और कोलकाता नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ से कोलकाता और 300 किलोमीटर दूर है। हम लोग सोचेंगे यहाँ से आसनसोल जाएंगे और आसनसोल में आज रात को रुक जाएंगे एंड कल सुबह कोलकाता निकलेंगे। कोलकाता जाने का मेन रीज़न ये है कि आशीष का जो गाड़ी है उसका स्टैंड टूट गया है, तो उसका स्टैंड कल रिपेयर वहीं पे करवाएंगे, नया आई थिंक नया लगेगा, और उसको लगाने के बाद परसों हम लोग फिर भुवनेश्वर जाएंगे। ये अभी हमारा प्लान है एंड हम लोग यही करने ही वाले हैं, प्लान क्या है यही करेंगे हम लोग, अभी हम लोग आसनसोल में ही रुकेंगे। सो थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर निकलते हैं। सम्राट का तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि आप लोग उसको देख पाओ। क्या हुआ मेरे भाई? एंड चिचिन, चिचिन का कार्ड काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा ना। हाँ, और इनके पाँव का हालत देखिए भाई लोग, क्या हो गया बारिश की वजह से। छी, आशीष के पास जाते हैं, आशीष का भी हालत बहुत खराब है। क्या हुआ भाई, ठीक है? ओ माय गॉड, क्या हुआ है? कहाँ गया पाँव तेरा? तेरा वो तेरी। आशीष का गाड़ी को रखने के लिए किसी दूसरे के गाड़ी की जरूरत पड़ रही है एंड एज यू कैन सी अभी वो ट्रेनर से सटा हुआ है, उसका हैंडल यहाँ पे है एंड उसी के सपोर्ट से ही गाड़ी अभी उसकी खड़ी हुई है। ये भाई साहब, तीनों भाई साहब हमारे उड़ीसा से ही हैं, भुवनेश्वर से ही हैं एंड नॉर्थ सिक्किम गए थे एंड सिक्किम ऑलमोस्ट सिक्किम का हर चीज़ तो छू नहीं पाए, लेकिन कितने दिन का ट्रिप था? 8 days का ट्रिप था ना बस सिक्किम में। 8 days अभी साथ में ही हमारे एक्चुअली सिलीगुड़ी से भी ये लोग निकले हैं, आसनसोल में आज रुकेंगे और हम लोग भी आसनसोल में रुक रहे हैं, तो आज तो रात को बहुत जबरदस्त पार्टी होने वाली है, क्या बोल रहा है? ठीक है, आज चिचिन स्पॉन्सर कर रहा है। Hey, we have already made them secured by giving them riding gears and jacket. सब mad bikers हैं and all ये देखिए, I'm mad biker sir से kidding solid, ये बहुत काम। अच्छा, ये मैं वीडियो में डालने के लिए मैं उसके लिए भी चार्ज लगता हूँ, सॉरी चार्ज। ओके, आसनसोल जो है यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है एंड एग्जैक्टली 100 किलोमीटर दूर है, तो मैक्स टू मैक्स हम लोग को 2 घंटा लगेगा वहाँ पर पहुँचने के लिए, और बाकी ये 3 बंदे भी हमारे साथ जाएंगे एंड ये सब जाने पहचाने लोग हैं, चिचिन को सब लोग जानते हैं अच्छे से, पर्सनली जानते हैं एंड हमारे उड़ीसा की हैं, तो हम लोगों ने उनको सजेस्ट किया कि सिटी रेसिडेंसी में रुकने के लिए, ताकि आज रात को हम लोग थोड़ा पार्टी वार्टी करेंगे, थोड़ा यारी दोस्ती करेंगे। सो सम्राट अभी ठीक फील करा है, सम्राट से कनेक्ट करता हूँ। आशीष का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा कल, वो शोरूम में बात कर लिया, कल वो अपना जो स्टैंड है वो वहाँ पे जाके लगा देगा। सो लेट्स राइड। आसनसोल में हैं हम लोग और उसी होटल में रुके हैं जाने के टाइम, जिस होटल में हम लोग रुके थे, और आने के टाइम हम लोग एक गलती कर लिए, हमारा जो नेविगेटर है वो हमको गलत रास्ते में लेके चला गया एंड पता नहीं कौन सा रास्ते में हम लोग आज आए हैं, कितना एडवेंचरियस था वो मैं बता नहीं सकता एंड आशीष एक्चुअली बहुत खुश है, वो उस एडवेंचरियस मतलब जो गलत रास्ते में हम लोग गए थे उस वजह से आशीष का मन बहुत खुश है। और हम ऐसा एक पॉइंट था कि जहाँ मतलब 5-10 किलोमीटर में चक्कर काटते थे और देखते थे वही सेम 51 किलोमीटर दिख रहा था आसनसोल, ऐसा 3 बार हुआ है।
कोलकाता एंड जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो हमको एक बहुत अच्छा वेलकम किए शुभम एंड आकाश एंड अभिषेक ये तीनों यहाँ पे वेट किए थे हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा वेलकम किया एंड ये एक बहुत शानदार केक हमारे लिए लेके आए हैं थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू सो मच ये तीनों आज हम लोगों से वापस मिलने आए हैं एंड तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग सब साथ में डिनर करेंगे आज का दिन वाकई बहुत एडवेंचरस था हम लोग सोचे थे कि हम लोग कोलकाता पहुंच जाएंगे जो कि कोलकाता था सिलीगुड़ी से 670 ऑड किलोमीटर्स अगर हम लोग फालाका मालदा होके जाते तो 100 किलोमीटर कम होता लेकिन उस तरफ का जो रास्ता है बहुत ट्रैफिक जाम रहता है एंड रास्ता भी इतना अच्छा नहीं है तो हम लोग ए वाला रूट लिए आने के टाइम जब हम लोग दुमका में रुके थे तो तभी आशीष का और सम्राट दोनों का तबीयत ठीक नहीं लग रहा था तो हम लोगों ने फाइनल किया कि हम लोग आसनसोल में रुक जाएंगे कोई ज़्यादा बॉडी को स्ट्रेस नहीं देंगे और कल हम लोग सुबह चले जाएंगे कोलकाता एंड आसनसोल जो है वो दुमका से 100 किलोमीटर दूर है एंड हम लोग मैप में भी अब लोकेशन दिए थे हमारे जो गुरुजी हैं मिस्टर पापा हुईली नेविगेटर आज थोड़ा वो गलत चले गए पता नहीं उनका शायद नेटवर्क का कुछ इशू था कुछ था एक पॉइंट पे बारिश जब शुरू होने लग गई तो हम लोग एक जगह में रुके थे सब रेन गियर वगैरह पहन रहे थे तो उस टाइम एक आदमी ने बोला कि आप गलत रोड में आ गए हो आपको पीछे से राइट लेना चाहिए था तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ से भी मैप में दिखा रहा है कि जो आसनसोल है बस 60-70 किलोमीटर दूर है तो हम वो रास्ता भी हमको बहुत अच्छा लग रहा था तो हम लोग आगे निकले एंड उसके बाद एक्चुअली बारिश हो रहा था इसलिए मैं अपना जो GoPro है वो निकाल देता नहीं तो इस सारे फुटेज मैं नहीं डाल पा रहा हूँ और बहुत रात भी हो गई थी तो हम लोग इसलिए और वो GoPro वगैरह का झमेला नहीं रखा मैं और हम लोग वहाँ से निकल आए एंड उसके बाद कौन से गांव कौन से जंगल के अंदर हम लेके आए हैं एंड एक जगह में ऐसा लगा कि हम लोग एक ही जगह में राउंड मार रहे हैं 10 किलोमीटर जा रहे हैं मैप में देख रहे हैं 51 किलोमीटर टू आसनसोल फिर 10 किलोमीटर जा रहे हैं फिर दिखा रहा है 51 किलोमीटर टू आसनसोल तो फाइनली लोगों से हम पूछ के रास्ता पूछ के आए एंड आसनसोल पहुँचे रात के 10:30 बज गया था कुछ भी हो जो भी हो सेफली हम लोग सब पहुँच गए और अभी अच्छे से रेस्ट करेंगे और कल जाएंगे कोलकाता और कोलकाता जाके सबसे पहला काम हमारा है आशीष का गाड़ी को हम काम करवाएंगे और बाकी शॉपिंग वगैरह भी करना है शॉपिंग वगैरह कल करेंगे एंड परसों निकल जाएंगे भुवनेश्वर तो आज के लिए बस इतना ही गाइस राइट से राइड विद गियर्स सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग କିଛି ଟୋଟାଲ ସେ ସବୁ ହେଉଛି ଆମେରିକାନ୍ ଜିନିଷ ଚାର୍କୋଲ ବାର୍କୋଲ ଟୋଟାଲ କ୍ଲିନିକ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟକିକିଆ ଶାମ୍ପୁ ହେଲା କାଢ଼ିବ ଏମିତି ହାତରେ ଟିକେ ନବ ଇଏ ଯୋଉ ସୁଖ ଦବ ସେ କିଛି ଚାର୍କୋଲ ଫେସ୍ରେ ଫେସ୍ରେ କିଛି ଦବ ସେଟା ଧୂଳିମଳି ସବୁ ଟାଙ୍ଗ ନେଇ ପଡ଼େ ଆଡ଼େ ତୌଲିଆ କିଏ ଗୋଟେ ଦିଅରେ ଗାଧେ ପଡ଼ିବ ଏଇଠି ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭିସ टोटल से फॉरेन जिनस रूपा किसी क्या उमल मारिया दरकार पड़े देखो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ ये इतना साफ सुथरा क्यों बन रहा है तेरे को तो पता है ना क्यों बन रहा है वो कोलकाता जा रहा है ना शादी फिक्स हो गया शादी फिक्स हो गया अरे बाहर फिक्स है तो वीडियो रहते जाए ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲଗେଇ ଶୋଇବା କଥା ବହୁତ